Again, welcome back. Today we will going to talk about vitamin, that what exactly vitamin and how many types are, and also we know that meaning, definition, classification, functions of vitamin and deficiency disease of vitamin. So आज के सेशन में हम विटामिन को कवर करेंगे और जानेंगे कि विटामिन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि विटामिन किसे कहते हैं. ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ विटामिन, अर्थात विटामिन का इतिहास क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो 20वीं शताब्दी से पूर्व तक भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवणों को ही भोजन का आवश्यक तत्व माना जाता था. ये कब होता था? तो ये 20वीं शताब्दी से पूर्व माना जाता था. ठीक है, ये मान्यता कब थी? तो 20वीं शताब्दी से पूर्व थी कि भोजन में, भोजन के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है, प्रोटीन है और खनिज लवण है. ठीक है, परंतु उस समय के वैज्ञानिक, ठीक है, उस समय के वैज्ञानिक जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हॉकिंग्स का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कुछ प्रयोग किया. ठीक है, उन्होंने चूहों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व खनिज लवणयुक्त कृत्रिम भोजन तैयार करके खिलाया. ठीक है, और देखा कि इस कृत्रिम भोजन से सजीवों की वृद्धि रुक गई है. ठीक है, अर्थात उन्हें और भी कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता है. तो इस तरह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शरीर में कुछ और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है. ठीक है, इन चार पोषक तत्वों के अलावा कुछ और भी ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, जो हमारे भोजन में नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो उन्होंने छानबीन की और खोज किए. ठीक है, तो तभी क्या हुआ, तभी विटामिन के बारे में ज्ञान हुआ. ठीक है, तभी जब ज़्यादा छानबीन हुआ, खोज हुआ, तो उनको विटामिन के बारे में पता चला. ठीक है, तो विटामिन शब्द 1912 में सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया. ठीक है, ये खोज किसने किया, तो खोज हॉकिंग्स ने किया, लेकिन उसका नामकरण फंक नामक, कैसिमर फंक ने उसका नामकरण किया. ठीक है, इन्हीं को क्या माना जाता है, तो इन्हीं को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है. ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो एग्ज़ाम में अगर हॉकिंस भी दिया रहता है तो वो भी सही है, और कैसिमर फंक भी दिया रहता है तो वो भी सही है. ठीक है, ये दोनों ही विटामिन के खोजकर्ता माने जाते हैं. ठीक है, तो विटामिन की खोज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विटामिन की खोज 1912 में, ठीक है, फ्रेडरिक आइजकमैन हॉकिंग्स के द्वारा की गई थी. किसके द्वारा की गई थी, तो विटामिन की खोज हॉकिंग्स द्वारा की गई थी, जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक आइजकमैन है. ठीक है, लेकिन विटामिन का नामकरण, ठीक है, फंक द्वारा किया गया. ठीक है, इसलिए फंक को विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है. हॉकिंग्स ने 1912 में यह सिद्ध, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है. तो विटामिन क्या करता है, तो विटामिन हमारे शरीर को अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है. ठीक है, तो चलिए लेते हैं मीनिंग डेफिनेशन ऑफ विटामिन. ठीक है, तो विटामिन का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है और परिभाषा क्या होता है, इसको जान लेते हैं. तो विटामिन शब्द 1912 में, ठीक है, किसने प्रस्तावित किया, तो 1912 में सर्वप्रथम कैसिमर फंक ने विटामिन का नामकरण किया. ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक तत्व होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, विटामिन पड़ा. ठीक है, विटाल प्लस एमिन से मिलकर बना है. ठीक है, अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि विटामिन्स वह पोषक तत्व है जो विभिन्न रोगों से, किससे, तो विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करते हैं. इनकी कमी से हीनता जनित रोग हो जाते हैं. ठीक है, विटामिन कैसा पोषक तत्व है, तो विटामिन सुरक्षात्मक पोषक तत्व है जो हम, जो अनेक रोगों से हमारे शरीर को बचाते हैं. ठीक है, तो इनकी कमी से हमारे शरीर में हीनता जनित, अर्थात डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती हैं. ठीक है, इनके कमी से हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं. ठीक है,
तो चलिए जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, विटामिन का वर्गीकरण, ठीक है। तो घुलनशीलता के आधार पे, घुलनशीलता के आधार पे किसके आधार पे, तो घुलनशीलता के आधार पे विटामिन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वसा में घुलनशील, दूसरा है जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, तो विटामिन ए डी ई के, ठीक है। विटामिन ए डी ई के ये क्या है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा, इनका ब्रीफ नॉलेज इनके बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो जान लेते हैं, तो विटामिन ए, इसका खोज, विटामिन ए का खोज डॉक्टर मैकालम, ठीक है, मैकालम नामक वैज्ञानिक ने चूहों पर एक रिसर्च किया, ठीक है, चूहों पर एक विशेष प्रयोग करके विटामिन ए की खोज की थी, ठीक है। किसने किया था, तो डॉक्टर मैकालम ने चूहों पर एक विशेष प्रयोग करके, ठीक है, विटामिन ए की खोज की। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और भी रोग होते हैं, जैसे वाइटाइट स्पॉट है, कैरेटोमलेसिया है, ठीक है, और भी ऐसे रोग हैं जो हमारे आँखों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से घी, मक्खन, दूध, दही तथा अंडे, मछली के यकृत, ठीक है, गाजर, टमाटर, पपीता, सीताफल, संतरा, कद्दू, पालक आदि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं विटामिन बी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विटामिन ए के सोर्स हैं, ठीक है। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, इनको लेने से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है, ठीक है, जो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम से हमारी सुरक्षा करती है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। किस में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन था, ठीक है, और ये अभी क्या है, तो जल में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, यह मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो यह हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर, मछली, कलेजी, दूध, पनीर आदि इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। यह 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है, ठीक है, जिसको विटामिन बी ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। पहला है थायमिन, ठीक है, पहला है थायमिन। विटामिन बी वन को थायमिन, बी वन का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन, ठीक है, विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन, ये सब रासायनिक नाम है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ विटामिन बी के सोर्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें विटामिन बी प्राप्त होता है, ठीक है। तो विटामिन बी सिक्स, ठीक है, विटामिन बी सिक्स, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम होता है पायरीडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन बी फाइव का नियासिन होता है, विटामिन बी ट्वेल्व का साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो विटामिन सी के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विटामिन सी, इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन ए का क्या था, तो विटामिन ए का रेटिनॉल था, और विटामिन बी का थायमिन था, ठीक है, और विटामिन सी का क्या है, तो एस्कार्बिक एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र है C6H8O6, अर्थात विटामिन सी का एक परमाणु, विटामिन सी का एक परमाणु कार्बन के 6 अणु, ठीक है, और हाइड्रोजन के 8 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणुओं से मिलकर विटामिन सी का एक परमाणु बनता है, ठीक है। इसके स्रोत हैं खट्टे फल, ठीक है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला है, संतरा है, नींबू है, ठीक है, इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है, इनकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और हमारे दांतों से ब्लड आना शुरू हो जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ रिच फूड है जिसमें विटामिन बी के रिच विटामिन सी के सॉरी विटामिन सी के रिच सोर्स हैं, ठीक है, जो इनको ग्रहण करने से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब जान लेते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी क्या करता है, तो ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। तो इन किसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेराल। यह मुख्य रूप से मक्खन, घी, अंडा, मछली के तेल आदि में पाया जाता है, ठीक है। यह विटामिन शरीर की हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, साथ ही साथ मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स अर्थात सूखा रोग तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक। इसकी कमी से क्या होता है, तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और बूढ़ों में बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और हाँ, कहते हैं कि विटामिन डी सूर्य की किरणों में पाया जाता है, ठीक है, तो सूर्य की किरणों में विटामिन बी नहीं पाया जाता या मुख्य रूप से, ठीक है, यह मुख्य रूप से शरीर हमारे त्वचा के नीचे एक तत्व होता है जिसको ये क्या करता है, विटामिन डी में परिवर्तित, सूर्य का किरण विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए विटामिन डी के कुछ रिच सोर्स हैं, ठीक है। तो अब जान लेते हैं विटामिन ई के बारे में। इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ठीक है। यह मुख्य रूप से अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, या मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, तो अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। किस विटामिन को, इस विटामिन को, ठीक है, इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह जन्म क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, अर्थात प्रजनन के लिए ये आवश्यक होता है। इसकी कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, अर्थात व्यक्ति क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, वो और औरतें बाँझ हो जाती हैं, उनको बच्चा नहीं होता, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कुछ विटामिन ई के रिच सोर्स हैं, ठीक है, जिनको आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो विटामिन के, अब जान लेते हैं विटामिन के बारे में। तो यह विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है, ठीक है। इस विटामिन की आवश्यकता कब होती है, तो रक्त के थक्के बनने में, अगर कट पिट जाता है तो ये हम इसकी अगर मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा रहती है तो रक्त आसानी से थक्का बन जाता है, ठीक है। तो यह विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है। डेनमार्क के वैज्ञानिक हेनरिक डैम ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज किसने की थी, तो डेनमार्क के वैज्ञानिक हेनरिक डैम ने इसकी खोज की थी। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विलोन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विलोन है, ठीक है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। कटे हुए स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है, जो हमारे सेहत के लिए सही नहीं होता, ठीक है। यह मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विटामिन के रिच सोर्स हैं, ठीक है, जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, ठीक। तो विटामिन पी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विटामिन पी, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है, ठीक है। यह जल में अघुलनशील विटामिन है। ये जल में क्या है, तो अघुलनशील विटामिन है। यह हड्डी तथा दांत की वृद्धि में सहायक होता है। यह किस में सहायक होता है, तो ये हड्डी तथा दांत की वृद्धि में सहायक होता है। इसकी कमी से कोशिकाएँ दुर्बल हो जाती हैं। इसकी कमी से क्या होती है, तो कोशिकाएँ दुर्बल हो जाती है तथा उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यह मुख्य रूप से विटामिन नींबू, नारंगी, अंगूर आदि फलों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये विटामिन पी के सोर्स हैं जिनमें विटामिन पी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हम अब आज का क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस तत्व को सूर्य की किरणें विटामिन डी में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा।